रामचरितमानस का मुद्दा फिलहाल यूपी की सियासत को गर्म कर रहा है। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से उनकी खूब आलोचना की गई, यहां तक कि उन्हें कलयुग का रावण तक कहा गया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया गया, जिसके बाद से हिंदू इस बात से और ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन अब लगता है अखिलेश यादव को सवर्णों को नाराज करने का डर सताने लगा है, इसीलिए तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताया था और इस विवाद में आग में घी डालने का काम खुद अखिलेश यादव के फैसले ने किया था, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया गया, जिसके बाद से इसे रामचरितमानस विवाद के लिए इनाम के तौर पर देखा जाने लगा। लोग और नाराज हो गए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने नाराजगी दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 सवर्ण और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता को शामिल किया है। ये कदम पार्टी के कुछ वर्गों में कार्यकारिणी में उच्च जातियों के कम प्रतिनिधित्व को लेकर कथित बातचीत के बीच आया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह गोप, विनय तिवारी, नीरज सक्सेना और राम प्रसाद चौधरी को शामिल किया गया है। चौधरी एक गैर यादव ओबीसी है, अन्य उच्च जाति के हिंदू हैं। बता दें ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तीसरा विस्तार है। पहले कार्यकारिणी में 11 यादव, 10 मुस्लिम, 25 गैर यादव ओबीसी, 9 ऊंची जातियां, 6 दलित, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 ईसाई सदस्य थे। अब सवर्ण सदस्यों की संख्या 13 हो गई है। तो अखिलेश यादव ने यहाँ बिना कुछ बोले अपने एक्शन के साथ चाल चली है, लेकिन भले ही अभी अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सवर्णों की तरफ है, लेकिन उनका ये बयान भी कोई नहीं भुला पाया है, जब उन्होंने रामचरितमानस पर उल्टा ये कह दिया था कि पढ़कर सुनाओ रामचरितमानस की वो चौपाई। फिलहाल आपको ये भी बता दें, रामचरितमानस विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने भी मोर्चा खोला था, जहां सपा प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और ये तक कह दिया था कि क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उन्हें सपा में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने सबकी नाराजगी दूर करने का तरीका भी निकाला है। बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि कई करोड़ लोग इसे नहीं पढ़ते। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि रामचरितमानस से आपत्तिजनक अंश हटा दिए जाने चाहिए और नहीं तो इसे बैन कर देना चाहिए।